हकमारी करते हैं और कहते हैं कि हम पोल खोल करेंगे, हम पोल खोल हम करेंगे, हम लोग करेंगे। कौन सा ही अति पिछड़ा के ये मसीहा हैं और किस लिए मसीहा हैं? आज आपने जिस तरह से बच्चों को रोड पे ला दिया, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं आज उन्होंने रोड पे आ गए, किसी का 10 का चुनाव था, किसी को 20 का चुनाव था, उनका जो भी खर्च हुआ, सरकार का जो खर्च हुआ, उसका नुकसान कौन देगा? कैसे आप पर विश्वास करे अति पिछड़ा? आपने अति पिछड़ों का विश्वास तोड़ा है। मुख्यमंत्री जी हमेशा अति पिछड़ों का जो है वो साजिश करता है, वो कभी अति पिछड़ों का भला नहीं कर सकते हैं और कभी अति पिछड़ा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी लोगों ने आया और आज सबका मैं दशहरे के बाद में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सभी चैनल के हमारे पत्रकार बंधुओं को। और जो आज जो बिहार का खेल चल रहा है, आज महागठबंधन के लोग जो अति पिछड़ों का हकमारी कर रहे हैं और उसके लिए जो आज अलग अलग उनकी जो भाषा बदल रही है, उस भाषा के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो आप जानते हैं कि अति पिछड़े की बेटी हूँ, हमेशा अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ महागठबंधन के और नेता नीतीश जी से, जिस समय हम सभी लोगों को अधिकार अगर देने वाले कोई हैं तो कर्पूरी जी को, मैं माननीय कर्पूरी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने पिछड़ा से अति पिछड़ा किया और अति पिछड़ा में कुछ ही लोग सेलेक्टेड थे, लेकिन इन्होंने जब आवश्यकता महसूस हुई तो लोगों को जोड़ते गए और आज अगर उसकी संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा ही संख्या है। फिर भी कोई बात नहीं है, हम अति पिछड़े लायक हैं, हम सभी लोग एक हैं। लेकिन आज जो चुनाव, आज जो नगर निकाय का इन्होंने जो बिगुल बजाया, तो ये जानते थे कि जब सरकार के पास, जब सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने केस किया तो कौन सा आपाधापी था जिसके लिए उन्होंने इमीडिएट जब महागठबंधन की सरकार बनी और तुरंत उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ निकाय चुनाव होना चाहिए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम था उसमें हमारा मध्य प्रदेश कहाँ गया, कैसे चुनाव कराया, और महाराष्ट्र कैसे चुनाव कराया, लेकिन बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। अपने बचाव के लिए, अपने लिए उन्होंने एक दिन का विधानसभा खोला कि मैं अपना बहुमत साबित करूँगा। लेकिन अति पिछड़ों की मसीहा कहने वाले लोग, आज मैं नाम नहीं लूँगी, कोई कहता है पोल खोल, मैं आज पोल खोल कर रही हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक दिन के लिए विशेष सत्र बना के अति पिछड़ों को क्या देना है उसके बारे में भी चर्चा करके और एक उसमें उनके लिए एक चर्चा शुरू करें और वहाँ से हम निकालें। उन्होंने आयोग का भी उन्होंने चर्चा नहीं किया, इनके महाधिवक्ता बहुत पहले ही मना किए थे, उनकी बात को भी नहीं माने। तो कौन सा ही अति पिछड़ा के ये मसीहा हैं और किस लिए मसीहा हैं? आज आपने जिस तरह से बच्चों को रोड पे ला दिया, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं आज उन्होंने रोड पे आ गए, किसी का 10 का चुनाव था, किसी को 20 का चुनाव था, उनका जो भी खर्च हुआ, सरकार का जो खर्च हुआ, उसका नुकसान कौन देगा? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो आपाधापी में ये चुनाव करा रहे थे किस पर, और कैसे आप पर विश्वास करे अति पिछड़ा? आपने अति पिछड़ों का विश्वास तोड़ा है। और अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो लोग कहते हैं कि पोल खोल, मैं पोल खोल करना चाहती हूँ कि आप एजी का रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक करें, आयोग बनाकर उसका करें, आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक करें और गणना करें कि हमारे जो अति पिछड़ा कितने हैं और हमारा कितना हक अधिकार बनता है, उतना हक अधिकार हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम सड़क पर जाके हम वहाँ पर जो है आंदोलन करेंगे और अपने हक का हम मांग करेंगे। वहाँ कोई बीजेपी कहीं नहीं रुकवाया, आपने क्यों नहीं मुझे साबित करे कि आपने क्यों नहीं एजी का रिपोर्ट आप दिखाइए, आप निर्वाचन का आयोग दिखाइए कि निर्वाचन में आपने किस तरह से सार्वजनिक कीजिए, आप आयोग पत्र को सार्वजनिक कीजिए, अगर हमने अगर कुछ किया तो आप कीजिए ना, समाज के आगे आप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं एजी का रिपोर्ट आप सार्वजनिक कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आयोग का पत्र को सार्वजनिक कर रहे हैं? क्या आप अपने लिए एक दिन का सत्र बुला सकते हैं? और अति पिछड़ा, पिछड़ा का जहां हकदारी का मामला था, जहां उन्हें अधिकार देना था, उसके लिए आप सत्र नहीं बुला सकते थे? और उसके बाद बीजेपी ने नहीं कहा,
बीजेपी ने ये नहीं कहा कि चुनाव होना चाहिए, महागठबंधन के बाद आने के बाद आपाधापी होके तुरंत ये जो है चुनाव का ऐलान किया गया। क्यों ऐलान किए आप पूरा ठोक ठटा के देखते कि अगर हम अति पिछड़े के अगर हम उसके हकदार हैं, उसका हम अगर अनुयायी हैं तो उनको हम जरूर अधिकार देंगे, लेकिन यहाँ कोई अधिकार नहीं, अधिकार जो मिल भी रहा उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम सभी लोग भाजपा के एक एक कार्यकर्ता हम लोग रोड पे आएंगे और हमारे अति पिछड़ा के लोग चाहे किसी भी दल में हैं सब रोड पे आएंगे और अपना हक का अधिकार का हम आगे आंदोलन चलाएंगे। आप अति पिछड़ा की विकास की अगर बात करें तो मेरे पास अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का कल्याण का जो मेरा विभाग था आज अगर देखेंगे तो 71 बच्चे हमारे बीपीएससी कंप्लीट करके नौकरी में आ गए और उन्हें जितने में सुविधा उस नाते में एक बहन होने के नाते बेटी होने के नाते सरकार में रह के उन्हें जो सुविधा दिलाई शायद इतिहास उसका साक्षी है। इसलिए वहाँ उस समय अगर चुनाव होता तो निश्चित रूप से हम लोग उसको दावा करते, लेकिन वहाँ उस समय जब भाजपा थी तो चुनाव नहीं हुआ, भाजपा से अलग होते महागठबंधन में जब आ गए तब ये चुनाव हुआ है, उसके पहले चुनाव नहीं हुआ, चुनाव का बिगुल नहीं बजा। उस समय चुनाव कराने की चर्चा भी हो रही थी, आपने पहल भी की थी। पहल उसमें हमने हमने देखिए इसमें उसके उसकी मजबूरी हम नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी हमेशा अति पिछड़ों का जो है वो साजिश करता है, वो कभी अति पिछड़ों का भला नहीं कर सकते हैं और कभी अति पिछड़ा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो पिछड़ा करके ही सारा काम वो करना चाहते हैं और अपना ऊपर में करें वो मुंह दिखा, जो मुखावट होता है ना वो मुखावट अब खुल गया है, जो पहले एक मुखावट होता है कि हम अति पिछड़ा के लिए करते हैं, अति पिछड़ा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो हम कह रहे हैं कि पोल खोल में चलिए ना भाई, एजी का रिपोर्ट निकालिए, निर्वाचन का आयोग का आयोग पत्र का निकालिए ना, आप निकाल के दीजिए, सार्वजनिक कीजिए, हम आपके साथ में, सार्वजनिक कीजिए। आप तमाशा करते हैं, पोल खोलाती पिछड़ों का हकमारी करते हैं और कहते हैं कि हम पोल खोल करेंगे, हम पोल खोल हम करेंगे, हम लोग करेंगे। आज गरीब गरीब कैंडिडेट इतने पैसे खर्च किए हैं, आज उनका पेपर छप गया है, आज उनका हर चीज़ तैयार, 10 तारीख को जिसको चुनाव होना था, जिसको 20 को, इतना जल्दीबाजी क्या थी आपको? आज आयोग बनाइए, एजी का रिपोर्ट आप सार्वजनिक कीजिए और उसके साथ साथ सभी तरह का जो आपके पास रिपोर्ट है कि आपने अति पिछड़ा के लिए किया है और ये भी सार्वजनिक कीजिए जब कर्पूरी ठाकुर जी ने कितने लोगों को अति पिछड़ा में डाला है और आपने कितने लोगों को अति पिछड़ा में डाला है, इसको भी सार्वजनिक करना चाहिए और उनको कहाँ कहाँ अधिकार आप दिए हैं चाहे किसी भी चुनाव में। और आज निकाय चुनाव में अगर अति पिछड़ा का हकमारी होगा तो अति पिछड़ा रोड पे आंदोलन करेगा।